ग्लोबलाइजेशन के बारे में अक्सर लोगों में गलतफहमी पाई जाती है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। आजकल तीन जो है वो फ्रेजेज इस्तेमाल की जाती हैं, ग्लोबलाइजेशन, एंटी ग्लोबलाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीन फ्रेजेज जो हैं वो लहदा हैं और इसको फॉलो करने वाले लोग भी सेपरेट हैं। तो पहले हम ग्लोबलाइजेशन को जानने की कोशिश करेंगे। ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या है? ग्लोबलाइजेशन ये है कि सारी दुनिया सिकुड़ कर एक ग्लोबल विलेज बन गई है। अब ये जो ग्लोबल विलेज बनी है उसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का आगाज़ जो है वो 18वीं सदी के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड के बाद हुआ। रेल लिंक्स हुए, पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हुई और बेतहाशा टेक्नोलॉजी 19वीं-20वीं सेंचुरी में बनी, इन्वेंशंस हुई, डिस्कवरीज हुई। तो 20वीं सदी के शुरू तक लोगों को ये नहीं पता था कि तमाम जितनी भी खित्ते हैं उनमें वक़्त जो है वो अलग-अलग है। लोग ये समझते थे तमाम खित्तों में वक़्त एक जैसा है। तो ये इंसान की मालूमात थी, लेकिन 20वीं-21वीं सदी में इंसान ने पूरी दुनिया का ट्रैवल किया और ट्रैवल करने के बाद उसकी आइडियाज़ जो है वो बिल्कुल बदल गए। तो इंसान जो है बेसिकली तौर पर जो उसकी सोच है वो उस वक्त की स्पिरिट ऑफ द एज जो है वो बनाती है। जो कुछ उस वक्त उसकी सोसाइटी में होता है, माशरे में होता है, वो इंसान की सोच जो है वो बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान की सोच जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। तो रिलेटिविज्म ही रियलिटी है 20वीं सेंचुरी में। किसी भी चीज़ को समझना है तो आप रिलेटिव एथिक्स से समझ सकते हैं। आप रिलेटिव एथिक्स क्या है? अब रिलेटिव एथिक्स जो है वो उससे मुराद ये है कि जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, जो कुछ इंसान ने डिस्कवरी और इन्वेंशन की है उसको इंसान दुरुस्त समझता है। इंसान जो है वो कॉन्शियस बीइंग है। कॉन्शियस बीइंग जो है वो सब कॉन्शियस बीइंग होती है दूसरे लोगों से मिलकर। तो कॉन्शियस बीइंग, सब कॉन्शियस बीइंग जो है ये दोनों आपस में मिलते हैं तो आइडिया पैदा होता है। इंसान अपने परसेप्शन बनाता है, अपनी सेंसेस जो है वो बनाता है। तो इसलिए ये कहना कि एब्सोल्यूट कोई चीज़ होती है या ट्रुथ होता है ये बिल्कुल गलत है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो एक जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो ये है कि इसने, क्योंकि इंसानों को इंसानों के साथ जोड़ दिया है कम्युनिकेशंस ने, टेक्नोलॉजी ने, तो अब इंसान की सोच बड़ी वसी हो गई है। जो इंसान, जो माशरा, जो मुल्क ये समझता था कि सच्चाई सिर्फ हम जानते हैं या हमारे कल्चर में, हमारी फिलॉसफी में सच्चाई मौजूद है, बाकी लोग सच्चाई नहीं जानते, अब ये कल्चर ख़त्म हो गया। अब एक ग्लोबल कम्युनिटी बन चुकी है। तो ग्लोबल कम्युनिटी जो बन चुकी है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है कि दुनिया के तमाम लोग जो हैं वो किसी ना किसी हद तक सच्चाई को जानते हैं। उनके सच्चाई के बारे में वो लदा आइडियाज़ हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में बैठा हुआ इंसान ये समझता है कि अमेरिका का आदमी या अमेरिका के जो मज़हब के लोग या कल्चर के लोग हैं वो भी जो है वो सच्चाई को उसी तरह जानते जिस तरह हम जानते हैं। पहले ये नहीं था। पहले लोग ये समझते थे, रोमन एम्पायर थी, ब्रिटिश एम्पायर थी, उससे पहले जो है जितनी भी एम्पायर थी वो यही समझती थी कि सच्चाई सिर्फ जो है वो हम जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन के फेज़ को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ता है, एज ऑफ रिनेसेंस में जाना पड़ता है। एज ऑफ रिनेसेंस में जो इम्पोर्टेंट जो इंसानी हिस्ट्री का फेज़ है ग्लोबलाइजेशन के नुक्ता नज़र से वो है एक्सप्लोरेशन। हम ये देखते हैं कि वास्को डी गामा जो है वो इंडिया में आता है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अपना 1492 में अमेरिका में पहुंच जाता है। एक्सप्लोरेशन जो है इसने ग्लोबलाइजेशन को जन्म दिया। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है कि दुनिया के साथ इंसान का रابطہ होना शुरू। अब उस ग्लोबलाइजेशन की फेज़ जो 15वीं सदी में शुरू हुई, एज ऑफ रिनेसेंस से शुरू हुई और 20वीं-19वीं सदी तक जारी रही, उसके करैक्टरिस्टिक अलग से हैं
और 20वीं 21वीं सदी में जो पहले करैक्टरिस्टिक है वो डिस्कस करते हैं। पहले करैक्टरिस्टिक जो है ग्लोबलाइजेशन के वो है कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म। इन दो चीज़ों ने ग्लोबलाइजेशन को दुनिया में बड़ा जो है वो प्रमोट किया। जिस तरह आज हम डिस्कस करते हैं हिंदुस्तान की बारे में कि अगर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म यहाँ पे ना होता तो शायद इतनी ज़्यादा मेंटल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ना होती। मार्क्सिस्टिक नुक्ता नज़र रखने वाले लेफ्ट नुक्ता नज़र रखने वाले कोई इस बात से इत्तफाक नहीं करते। लेकिन जब हम दुनिया को जो है वो जर्मी बेंथम या स्टीवर्ट बेल के एथिक्स से यूटिलिटेरियन एथिक्स से देखते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जो सच है उसका एनालिसिस ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में किया जाए। तो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जब सब सच का एनालिसिस किया जाता है तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा जुल्म किए, बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान को लूटा, लेकिन जो कुछ उन्होंने दिया वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो पहला फेज जो है वो ग्लोबलाइजेशन का वो ये है, डच इंपीरियलिज्म, पुर्तगाली इंपीरियलिज्म, फ्रेंच इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ये सारे इंपीरियलिज्म, लास्ट में ब्रिटिश इंपीरियलिज्म आता है। तो इसमें ग्लोबलाइजेशन जो है वो उसकी तरफ दुनिया गई। दुनिया में इस ग्लोबलाइजेशन के फेज़ में जो है वो इंडिविजुअलिज्म का नज़रिया आया, लिहाजा फिर इकॉनमी का जो है वो नज़रिया आया। तो वेल्थ ऑफ द नेशन में एडम स्मिथ जो जिस बात का तस्करा करता है वो पूरी दुनिया के लिए इकोनॉमिक लॉ जो है वो बनाना जाता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो बनाना जाता है, एक मुल्क के लिए नहीं बनाना जाता। उसके दिन में भी एक आइडिया था इंटरनेशनलाइजेशन का। तो इंटरनेशनलाइजेशन का आइडिया जो है वो हम देखते हैं कि 15वीं 16वीं 17वीं सदी में हमें जो है वो इंपीरियलिज्म की शक्ल में जो है वो नज़र आता है। अब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई, उसकी कम्प्लिकेशन इम्प्लिकेशन बिल्कुल जो है वो चेंज हो गई। अब वो जो चेंज हुई है उसकी इम्प्लिकेशन और कम्प्लिकेशन, उसने नेशन स्टेट को जन्म दिया। नेशन स्टेट जो है वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए ही, और दुनिया में अमन ना कायम कर सके। अब उसके नतीजे में क्या हुआ कि नेशन स्टेट के बाद इंटरनेशनलाइजेशन इनएविटेबल था, क्योंकि नेशन जब मार्दे वजूद में आ गई तो उनके मामलात को तय करने के लिए जो है वो इंटरनेशनल लॉ जो था वो इनएविटेबल था। तो ये जो मॉडर्न कंसेप्ट जो ग्लोबलाइजेशन का आया है वो हम ये देखते हैं कि 20वीं सदी में जो है वो ग्लोबलाइजेशन का जो है वो मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो आया है। थोडर लिवट पहला आदमी था जिसने ग्लोबलाइजेशन की टर्म मॉडर्न ईरा में 1980 में जो है वो क्वाइन की, और उसके बाद जो है वो ग्लोबलाइजेशन जो है वो दुनिया में चलनी शुरू की। अब ग्लोबलाइजेशन को जानने के लिए तीन चीज़ें जो हैं बड़ी, इसकी जो जिसके साथ ग्लोबलाइजेशन अटैच है, कल्चर के साथ अटैच है, पॉलिटिक्स के साथ जो है वो अटैच है, इकॉनमी के साथ ये अटैच है। तो ये तीन चीज़ों के बारे में हम ये देखते हैं 1980 के बाद जो है यूनाइटेड नेशन के ज़रिए और मुख्तलिफ जो है और अदारों के ज़रिए जो है एक तरह के लॉज बनाने की कोशिश की, एक तरह के इकोनॉमिक लॉज बनाने की कोशिश की गई और दुनिया में एक जैसी इकॉनमी बनाने की कोशिश की गई। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हम देखते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल जो है वो हमें नज़र आता है। अब दुनिया में ज़बानें जो हैं वो सुखड़ रही हैं, अब इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो दुनिया में मर्ज हो रही है, ज़बानें लाखों हज़ारों से कम होकर सैकड़ों की तरफ जो है वो जा रही हैं, एक जैसे इकोनॉमिक लॉ जो है वो बनाए जा रहे हैं, एक जैसा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल लॉ के तहत। पॉलिटिकल सिस्टम एक जैसे से मुराद ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी लिखा गया है कि मुल्क जो हैं वो वहाँ पे हुकूमतें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन से जो है वो बनाई जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ पे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन से हुकूमतें नहीं बनी हुई उनके बारे में जो है वो जो है बकौल हंटिंगटन जो है वो ग्लोबलाइजेशन के रास्ते में जो है या मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन के रास्ते में शायद रुकावट बन सकती है। अब इसको अदरवाइज भी जो है वो डिस्कस किया जा सकता है।
तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो कल्चरल हो चुकी है, रिलीजियस हो चुकी है, वो इकोनॉमिक जो है वो ग्लोबलाइजेशन जो है वो हो चुकी है, डेमोक्रेसी जो है वो ग्लोबलाइजेशंस में दाखिल हो चुकी है, राइट्स का कंसेप्ट जो है वो ग्लोबलाइजेशन में जो है वो दाखिल हो चुका है कि दुनिया के तमाम मामलात को जो है वो हल करने के तरीकाकार और दुनिया जो है वो एक ही तरह के रूल्स रेगुलेशन बना के जो है वो दुनिया के मसले हल करने की कोशिश करे, तो ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो इनफैक्ट इसका मतलब है। अब है एंटी ग्लोबलाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन। एंटी ग्लोबलाइजेशन जो ग्लोबलाइजेशन के ख़िलाफ़ है, मार्क्सिस्ट जो है वो लेफ्टिस्ट उसके ख़िलाफ़ है, वो ये कहते हैं कि इससे जो है वो कैपिटल सिस्टम जो है वो मजबूत हुआ है, कैपिटल सिस्टम मजबूत होने की वजह से जो है वो जो वीकर नेशंस हैं उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा सका। अब वीकर नेशंस के पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट का तहफ़ करने के लिए लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट और न्यू फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट वाले जो हैं वो अक्सर हम ये देखते हैं कि वो डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो करते रहते हैं। डी ग्लोबलाइजेशन, ये हम ये मॉडर्न ईरा में देखते हैं कि डी ग्लोबलाइजेशन कि जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन जिन्होंने की है न्यू लिबरलिज्म वाले या लिबरलिज्म वाले वो जो है वो ग्लोबलाइजेशन के नारे से हट गए, जिस तरह के बरतानिया ब्रेग्जिट की तरफ गया है, अमेरिका में ने नारा लगाया कि फर्स्ट अमेरिका, जो इमिग्रेशन करने वाले लोग वहाँ पे सेटलर हैं उनको जो निकाला जाए कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो इस चीज़ को दी जाए कि वी आर द फर्स्ट अमेरिकन, तो ये प्रायोरिटी जो है ये जो एक मूवमेंट जो दुनिया में चली है अपने मुल्क को बचाने के लिए जो है वो डी ग्लोबलाइजेशन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो अननेचुरल है, ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो चल नहीं सकती, इसमें ज़्यादातर जो है वो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट वाले जो है ये बात करते हैं कि आखिरकार दोबारा से जब स्टेट जो है वो क्राइसिस में आती है तो वो डी ग्लोबलाइजेशन यानी कि अल्ट्रा नेशनलिज्म की तरफ जो है वो जाती है। तो ग्लोबलाइजेशन को सम हम इस तरह से कर सकते हैं कि अब जो मॉडर्न लोग हैं या नई जनरेशन है उसकी थिंकिंग, उसका सोशो इकोनॉमिक बिहेवियर जो है वो इंटरनेशनल है, लोकल नहीं है। तो ये है ग्लोबलाइजेशंस के बारे में चंद मजार शाद। खुदा हाफिज़।